अमृतसर के सरहदी क्षेत्र राजाताल गांव में भारत पाक सीमा की कटीली तारों में सुबह 4:15 के करीब पाकिस्तानी स्मगलर को घुसपैठ के दौरान PSF के जवानों द्वारा 6 पैकेट हीरोइन समेत गिरफ्तार किया गया। आप सभी का हमारी इस BOP पे स्वागत है और मैं आपसे एक बहुत अहम जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कल रात को 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की रात को लगभग 4:25 पे सुबह के 4:25 के समय था उस समय, जब हमारे जवानों ने एक बहुत अच्छा ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसमें कि पूरा प्रोफेशनलिज्म का उन्होंने अपना मुजाहरा दिया और उसके द्वारा 6 पैकेट हीरोइन के पकड़े हैं उन्होंने और साथ में एक पाकिस्तानी स्मगलर को अरेस्ट किया है। तो रात के समय जब संतरी हो रहा है, उसने सामने से पाकिस्तान की तरफ से खेतों के बीच में कोई आवाज़ सुनाई दी उसको, तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया लेकिन आवाज़ सुनाई दी। तो आवाज़ सुनाई देने पे जो उसकी ड्रिल होती है उसकी ड्रिल के हिसाब से उसने अपनी राइफल को कॉक किया, पोजीशन लिया और चैलेंज किया। लेकिन संतरी के अलर्टनेस को देखते हुए सर जो पाकिस्तान स्मगलर था उसने अपने आप को छुपा लिया अपने को खेतों के बीच में। लेकिन जवान को पूरा भरोसा था कि इसके अंदर कुछ है, यहाँ पर कोई छुपा हुआ आदमी है, तो उसने तुरंत अपने कमांडर को इन्फॉर्म किया। तो कंपनी कमांडर अपने बाकी पार्टी लेके दोनों तरफ से उन्होंने गेट के आगे गए, फेंसिंग के आगे, और पीछे से जाके उस स्मगलर को एनसर्कल कर लिया। यहाँ किसको सप्लाई करना था? जब अपने आप को उसने घिरा हुआ पाया तो वो उसने अपने को छुपा लिया। फिर हमारी पार्टी ने सर्च लॉन्च किया और सर्च लॉन्च करने के बाद में हमने डॉग्स को यूज़ किया और उसके उपरांत 6 पैकेट हीरोइन पकड़ पाए हम लोग, और साथ में एक स्मगलर जो छुपा हुआ था उसको भगने नहीं दिया और उसको उन्होंने पकड़ लिया। ओके, ये जो जिनको पकड़ा गया है इनका नाम काशी अली है और ये इनका फादर का नाम रहमत अली और इनका गांव का नाम है मनियाना, पाकिस्तान का निवासी है ये, और इसको हमने जिंदा पकड़ लिया है। और एक मैं और आपको इनको कहना चाहूँगा कि जो पैकेट पकड़े गए हमें 6 पैकेट, जो बैग जिसके अंदर उसको रखा गया था वो बैग के ऊपर जो निशान है वो पाकिस्तान की मार्किंग है उसके ऊपर, और शौकत खानुम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर उसका। अमृतसर से सोनू सोडी की रिपोर्ट।